नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद का शपथ ग्रहण किया। उनके साथ तमाम मंत्रियों ने भी मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया। इन सभी मंत्रियों में एक मंत्री थे जो केरल में कमल खिलाए थे। उनका नाम था सुरेश गोपी। शपथ ग्रहण करने के अगले दिन ही सुरेश गोपी 10 तारीख को उनसे रिलेटेड ये खबर आती है कि मंत्री सुरेश गोपी मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। सुरेश गोपी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह बताई थी कि वो 6 फिल्मों को साइन कर दिए हैं, जो कि मंत्री पद की जिम्मेदारियों के साथ वो अपनी फिल्मों को नहीं पूरी कर सकते हैं, इसलिए वो सांसद रहकर अपने क्षेत्र का जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इसके बाद फिर खबर आती है कि मंत्री सुरेश अपनी मंत्री पद की जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं, इस्तीफा वो नहीं देंगे। वहीं आपको हम बताते चले कि इस बीच फिर से मंत्री सुरेश गोपी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गए हैं। मंत्री सुरेश गोपी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जमकर तारीफ किए हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। केरल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी ने पूर्व प्रधानमंत्री व दिग्गज कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुरेश गोपी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया बताया है। इसके साथ ही कांग्रेस के एक और नेता की तारीफ के पुल बांधे उन्होंने। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कांग्रेस के दिवंगत नेता व केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण को साहसी प्रशासक बताया है। फिल्म अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी ने पूर्व सीएम करुणाकरण और मार्क्सवादी नेता ईके नयनार को अपना राजनीति गुरु भी बताया है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अपने संसदीय क्षेत्र त्रिशूर पहुंचे। गोपी यहां पनकुन्नम स्थित करुणाकरण के स्मारक मुरली मंदिर जाने के बाद कई चौंकाने वाले बयान दिए। बीजेपी से जीत दर्ज करने के बाद सुरेश गोपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की तारीफ करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुरेश गोपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करुणाकरण स्मारक के उनके दौरे का कोई भी गलत राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए, वह अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं। गोपी ने कहा कि वह देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया मानते हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरण उनके लिए राज्य में कांग्रेस पार्टी के पिता थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि करुणाकरण को केरल में कांग्रेस का पिता बताना दक्षिणी राज्य की सबसे पुरानी पार्टी के संस्थापकों या सह संस्थापकों के प्रति कोई अनादर नहीं है। बता दें कि अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है। लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी की पहली जीत हुई है। वह केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी बना दिए गए हैं। सुरेश गोपी ने केरल के पूर्व सीएम करुणाकरण के बेटे व कांग्रेस नेता के मुरलीधरन को त्रिशूर लोकसभा सीट से हराया भी है। कांग्रेस उम्मीदवार मुरलीधरन चुनाव नतीजों में तीसरे स्थान पर आए हैं। तो इस तरीके से सुरेश गोपी ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जमकर तारीफ की, खास करके इंदिरा गांधी को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया। वहाँ के केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में भी उन्होंने तारीफ की। वहीं इसको लेकर अगर विपक्ष की बात कही जाए तो विपक्ष लगातार इस पॉइंट को लेकर ये बात कहता हुआ नज़र आ रहा है कि बीजेपी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तारीफ किए हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार कर रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।